देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। अयोध्या में शिलान्यास के पहले चित्रकूट में कामदगिरी का पूजन। भगवान राम का प्रत्यक्ष रूप है कामदगिरी। वनवास का अधिकांश समय भगवान राम ने गुजारा था चित्रकूट में। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण शिलान्यास के पूर्व आज सुबह चित्रकूट में भगवान श्री कामदगिरी का पूजन किया गया। तुलसीकृत रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम को जिस समय 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष का समय चित्रकूट गिरी, जिसे कामदगिरी कहा जाता है, रहकर व्यतीत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के साथ ही साधु संत तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री राम माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के साथ सदैव ही चित्रकूट में निवास करते हैं, जिसको राम राम चरितमानस में लिखे इस दोहे से सहज ही समझा जा सकता है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जापक ही तुलसी अभिमत देत। इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए आज जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा, उससे पहले धर्म नगरी चित्रकूट में भगवान श्री कामदगिरी का पूजन किया गया। पूजन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के PWD राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि चित्रकूट भगवान का घर है। यहाँ पर भगवान ने वनवास काल में 11.5 वर्ष का समय व्यतीत किया था। आज का दिन सबके लिए खुशी का दिन है। DRI के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अभय महाजन ने कहा कि 500 वर्ष के लंबे समय के संघर्ष के बाद आज वह शुभ दिन आया है, जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में इस अवसर पर भजन पूजन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मठ मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। आज शाम को चित्रकूट में इस शुभ अवसर पर 21,000 से 51,000 के बीच दीप जलाकर दीपावली मनाई जाएगी। जय हो यह थी खबर हमारे ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे की बुंदेलखंड से। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।